हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्जुन रिगास की बेहतरीन गेम दिखाने वाला, जो उन्होंने कल खेली थी। उनके ओपोनेंट थे डोमिंगियस लेनिंग्स। उनके ओपोनेंट की रेटिंग थी 2754 और उनकी रेटिंग थी 2689। रेटिंग की बात की जाए तो अर्जुन रिगास ऑलमोस्ट उनके ओपोनेंट से 50 पॉइंट डाउन है। उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 के साथ। अर्जुन ब्लैक के साइड से खेल रहे थे। उन्होंने खेला C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, E6, ये सिसिलियन का मेन आइडिया है, D4, Cxd4, Nxd4, Nf3, E5 के ऊपर अटैक, तो उसका डिफेंस Nc3, Nc6, नाइट ट्रेड ऑफर है। यहाँ पर अर्जुन रिगासी ने खेला Nb4, तो उन्होंने वाइट के दूसरे नाइट को पिन किया। इस पोजीशन के ऊपर बिशप के ऊपर अटैक है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिशप को एक्सचेंज कर दिया, बिशप टेक्स, फिर जाकर ये नाइट बैठा C3 स्क्वायर के ऊपर। E4 सेंटर से स्ट्राइक करने की ट्राई की, ई टेक्स, बिशप B3, कैसल बाय वाइट। यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप G4, क्वीन के ऊपर अटैक है, तो उसका डिफेंस एक ही किया उन्होंने। इस पोजीशन के ऊपर अगर आप नाइट को बीच में डालते हो तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप जैसे ही रुक E8 के ऊपर आता है तो थोड़ा फर्क क्वीन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खेला F3, कोई रिस्क नहीं ली, बिशप H5, नाइट E2, क्वीन B6 चेक, तो किंग को मूव करना ही चाहिए। उन्होंने किंग को ही मूव किया H8 के ऊपर। D4 अपने पॉन को आगे पुश किया और पेस के एडवांटेज लेने की ट्राई की, तो नाइट गैस F4 स्क्वायर के ऊपर। पूरी तरह से ब्लैक का ये बिशप ट्रैप हो चुका है, जिसे अर्जुन ने बचाने की बिल्कुल ट्राई नहीं की। उन्होंने खेला बिशप G6, आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते। उनके ओपोनेंट ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, Xg5, F4, तो नाइट गया ईसन स्क्वायर के ऊपर, क्वीन F3, रुक E8, बिशप D2, तो नाइट गया F5 स्क्वायर के ऊपर। चाहे तो आप नाइट को एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन उनके ओपोनेंट ने नाइट एक्सचेंज ना कर खेला था A4। यहाँ पर अर्जुन ने खेला A6। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉन को कैप्चर करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन ट्रैप हो सकती है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर किंग के पास जाने के लिए ए स्क्वायर बिशप ने गार्ड कर रखा है। ये पूरी फाइल रुक गार्ड कर रहा है आप, और ये फाइल पूरी ए रुक गार्ड कर रहा है। किसी तरह से रुक के बदले ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी, इसलिए ब्लैक ने इस पॉन को नहीं कैप्चर किया और खेला A6, तो A5 क्वीन के ऊपर अटैक है पॉन से, तो एक क्वीन गई C4 स्क्वायर के ऊपर। इस पोजीशन के ऊपर भी आप कैप्चर नहीं कर सकते, रुक रुक B7 आने वाला है कुछ इस तरह से, इसलिए उन्होंने खेला क्वीन C7, रुक ट्रेड ऑफर है। उन्होंने अपने रुक को कनेक्ट किया G6, तो ये नाइट गया D7 स्क्वायर के ऊपर, बिशप B4, क्वीन, तो वापस गया नाइट गया F3 स्क्वायर के ऊपर, रुक B1, नाइट F3, रुक टेक्स A8, रुक टेक्स E8, तो यहाँ पर रुक टेक्स ऑफर व्हाइट ने दिए, लेकिन ब्लैक ने उसे रिजेक्ट किया और खेला B8, A4, तो ये नाइट गया C4 स्क्वायर के ऊपर, बिशप के ऊपर अटैक था, तो ये बिशप गया C1 स्क्वायर के ऊपर, नाइट C5। ब्लैक की प्लानिंग ये है कि इस नाइट को यहाँ पर लेकर जाना है, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने खेला था
नाइट e5 क्वीन के ऊपर अटैक है, बिशप के ऊपर अटैक है। इस पोजीशन के ऊपर वाइट को अपनी क्वीन मूव करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया। क्वीन टेक्स, बिशप g5 रुक के ऊपर अटैक है, लेकिन उसके पहले अर्जुन ने खेला क्वीन e1 चेक, उसका डिफेंस किंग h2, f6, वाइट के बिशप के ऊपर दोबारा अटैक है, तो ये बिशप गया लफर स्क्वेयर के ऊपर। g takes f7, इस पोजीशन के ऊपर अगर पॉन कैप्चर नहीं करते हो तो वो पॉन आपके लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि ये बिशप से सपोर्टेड है। और उसके बाद g takes, बिशप टेक्स, यहाँ पर उन्होंने बिशप को एक्सचेंज किया नाइट से। स्टील इस पोजीशन के ऊपर अर्जुन निर्गासी एक्सचेंज ऑफ है, उनके पास बिशप के बदले रुक है, और ये विनिंग के लिए टॉप लेवल के ऊपर इतना कंपनसेशन इनफ होता है। उन्होंने खेला क्वीन e2, चाहे तो आप क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर अगर आप क्वीन एक्सचेंज करते हो तो इस पॉन को रोकना ब्लैक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने क्वीन एक्सचेंज ना कर कर खेला था क्वीन f1, क्वीन d2 चेक, तो किंग गया h2 के ऊपर। यहाँ पर गेम में के अंदर कुछ रखा नहीं था, अर्जुन ने इस पॉन को कैप्चर किया। किंग e8 चेक, क्वीन f8, तो ये रुक गया f5 स्क्वायर के ऊपर। क्वीन d2, किसी तरह कोई चेकमेट इन अटैक नहीं लगे यहाँ पर, तो वाइट ने अपने बिशप को सेव किया। क्वीन f2, इस पोजीशन के ऊपर अगर आप क्वीन को कहीं पर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वीन पूरी तरह से डायगनल के अंदर पिन हो चुकी है, अगर आप किंग को मूव कर कर कुछ इस तरह से करने की ट्राई करते हो तो एक बार क्वीन एक्सचेंज हो गई तो वाइट के लिए इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं रखेगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके ओपोनेंट ने खेला था इस बिशप को बीच में डाला था। तो एक क्वीन गई b5 स्क्वायर के ऊपर, क्वीन f3, दोबारा क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, उसको उन्होंने डिक्लाइन किया। जैसे ही उन्होंने किंग a7 के ऊपर मूव किया, उनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। रिजरेक्शन का वजह एक ही है, अगले मूव के अंदर ये बिशप कहाँ पर जाए। अगर आप इस पोजीशन के ऊपर बिशप को कहीं पर मूव करते हो कुछ इस तरह से, तो क्वीन d7 आने वाला है, और फोर्स पूरी क्वीन ट्रेड होने के बाद वाइट के इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं रखेगा। अगर आप इस पोजीशन के ऊपर रुक को मूव करने के बाद बिशप को बीच में डालते हो तो उसका भी कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक इस बिशप को कैप्चर कर लेगा और वाइट इस गेम के अंदर टोटली लॉस है। क्वीन ट्रेड करनी ही पड़ेंगी, और एक बार अगर क्वीन ट्रेड हो गए तो गेम ऑलमोस्ट विनिंग है।